बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मलका टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं रेशमी कबाब, जो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही कम मसालों में इसको हम बनाएंगे। मसाले हमें ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। कीमा लेंगे हम, 1 किलो तक कीमा लिया मैंने। इसको हम बनाएंगे चॉपर में। तो कीमा लिया हमने, मशीन से किया हुआ कीमा है, लेकिन फिर भी इसमें जो हम मसाले ऐड करेंगे वो हम चॉपर में करेंगे। चॉपर में कीमा डालेंगे और साथ में जो चीज़ें हम ऐड करेंगे वो भी इसी में ही डालेंगे, ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। धनिया लेंगे, पुदीना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। धनिया पुदीने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून इसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। वन टीस्पून इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक। अब इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ आएगी वो है घर की ताज़ा बलाई, 3 टेबलस्पून तकरीबन मैंने वो ऐड की इसमें। इससे जो है हमारे जो कबाब है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्लाइस ब्रेड, इसके किनारे काट के बीच वाला हिस्सा इसमें हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ लाल मिर्च, 3 से इसको हम चॉपर में पीस लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। इस तरह इसको हम बना लेंगे, कबाब का शेप देंगे। जो शेप आपको पसंद हो आप दे सकते हैं। कबाब बन गए, अब इसको हम फ्राई करेंगे। कबाब जो है वो पक रहे हैं, दोनों तरफ पे कलर आ जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। फिर एक साइड पक गए, अब इसको हम दूसरे साइड पे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ख़ास दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।